जो आगे का एक घंटा रहेगा आपका, वहाँ पर अपने दो सेशन रखे आपके लिए आज, थोड़ा सा उसका आवाज़ कम कर दीजिए। दो सेशन रखे फिजिक्स के और बायोलॉजी का, 30 मिनट फिजिक्स सेशन है, 30 मिनट बायोलॉजी सेशन है। वो टीचिंग का सेशन नहीं है, रिलेटेड टू 8 मंथ जो स्ट्रैटेजी फिजिक्स और बायोलॉजी की, वो आपसे डिस्कस की जाएगी और वो सर लोग ही डिस्कस करेंगे आपसे, जो मैंने आपको 2-3 दिन पहले बताया था, ठीक है। हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। मैं डायरेक्ट अभी टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। जैसे अपन ने बोले थे कि 6-10 को अपना लेक्चर एटलीस्ट स्टार्ट हो जाना चाहिए, तो अब 6-10 तक के आने की कोशिश करो। अब जो लेट आएंगे उनके तो उतना चला जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ एटम्स, तो ये ना अपन स्लाइड से ना लेके मैं डायरेक्टली एक क्वेश्चन लेके समझा रहा हूँ। एक क्वेश्चन में इसके पूरे कंसेप्ट समझ लो। सपोज आपको एक कंपाउंड दिया जाए, एकदम सिंपल एग्जांपल लेंगे, मान लो यूरिया लेंगे अपन 120 ग्राम, यूरिया एक कंपाउंड दिया जाए, तो कंपाउंड एग्जाम्पल के तौर पे यूरिया लिए, उसका वेट है 120 ग्राम, ठीक है। यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट है 60 एंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज NH2 बॉन्ड CO बॉन्ड NH2। ये एकदम बेसिक है, एक बार समझ लो। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो असिस्टेंट सर आवाज दोनों आ जाओ, ठीक है, रहने तो खुला रहने दो उसको, और आएंगे ना दूसरे। एक काम करो नितिन, ये इधर का जो गेट खुला रहने दो, ठीक है, और जो भी गर्ल्स और बॉयज इधर के गेट से एंट्री करो, वहाँ पे बाहर जो है उनको बता दो। एक क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, इस क्वेश्चन के अंदर इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करते रहे, कंसेप्ट समझ लो, कैलकुलेशन चेंज होंगे सिर्फ। एक कंपाउंड दिया गया, उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, उसका वेट दिया जाएगा, ठीक है, और आपको उसके मोल, मॉलिक्यूल, एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब निकालते आना चाहिए, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको इसमें निकालना है, तो एक ही क्वेश्चन के अंदर अपन क्या क्या बन रहे हैं। यूरिया में आपको 120 ग्राम दिया गया, इसके पूछा गया नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया, नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया एक ही हो गया, दूसरा इतने ही वेट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया। लेकिन इसके प्रीवियस अपने वो क्या है, किधर, तो फाइंडर नहीं ओपन है अपने, ठीक है, ठीक। देन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ यूरिया, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ यूरिया, वो बाहर जाके बोल दो उनको कि जो भी यार बेटा गेट लगा लो अंदर से और इनकी एंट्री इधर से करो, जो बाहर खड़े हुए ना उनको बता दो, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको इस गेट से बगैर डिस्टर्ब करे ना, आप खुद को डिस्टर्ब करो ना क्लास को डिस्टर्ब करो। तो क्वेश्चन है 120 ग्राम यूरिया इज गिवन, इन दैट वेट वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ पर अपन ने तीनों जगह पे यूरिया 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 लिखे, और नंबर ऑफ एटम्स जो है ना वो कंपाउंड के भी पूछे जा सकते हैं और कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट के भी पूछे जा सकते हैं। जैसे 120 ग्राम यूरिया में आप यूरिया के टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालो, या 120 ग्राम यूरिया में जो उसके एलिमेंट है, जैसे नाइट्रोजन है ना, देन हाइड्रोजन है, देन कार्बन है, देन ऑक्सीजन है, तो आपको इन एलिमेंट के भी नंबर ऑफ एटम्स पूछे जा सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन कितने हो गए, टोटल 7, नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ यूरिया, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इन 120 ग्राम ऑफ यूरिया, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन 120 ग्राम ऑफ यूरिया, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन इन 120 ग्राम ऑफ यूरिया, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन 120 ग्राम ऑफ यूरिया। तो आपको कंपाउंड के मोल पूछे जाएंगे, कंपाउंड के मॉलिक्यूल पूछे जाएंगे, कंपाउंड के एटम्स पूछे जाएंगे, और कंपाउंड के जो एलिमेंट है उनके भी एटम पूछे जा सकते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स का जो क्वेश्चन है वो कंपाउंड और कंपाउंड में के एलिमेंट पर भी आ सकता, ठीक है, कोई भी अखंड क्वेश्चन ले लो इस टाइप का।
तो मोल और मॉलिक्यूल तो कंपाउंड के पूछेंगे। कंपाउंड किसे कहेंगे, तो यूरिया एक कंपाउंड है, और एलिमेंट कौन कौन से, तो यूरिया के अंदर नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। तो एटम्स किस किस के पूछे जाते हैं, कंपाउंड के भी और कंपाउंड में के एटम्स के भी, एलिमेंट्स के भी। तो ये आपको इस टाइप का क्वेश्चन आना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या निकाल के रखना है, नंबर ऑफ मोल निकाल के रखना है। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इसमें जानबूझ के 120 ग्राम लिया बिकॉज इट इज डिवाइडेड बाय 60, सो वी गेट 2 मोल। तो 2 क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि जो वेट है वो ऐसा रहेगा कि 60 से डिविजिबल नहीं रहेगा, तो वहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। तो 120 अपॉन 60 डेट इज इक्वल 2 मोल, तो ये 2 मोल हो गए। अब मोल को अपन मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर से, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएंगे, और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे एटोमिसिटी से, तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। अब एटोमिसिटी, यूरिया की एटोमिसिटी कितनी है, तो नाइट्रोजन के 2 एटम है, हाइड्रोजन के 2 और 2 4 एटम है, तो 2 और 4 6, कार्बन 1 7 ऑक्सीजन 1 8, तो टोटल इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी, 8। और कल मैंने पॉइंट क्लियर किया था कि एटोमिसिटी किसे कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। जैसे अपने देखे थे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की एटोमिसिटी 3 है, मीथेन की 5 है, अमोनिया की 4 है, अरे समझ में आ रहा ना एटोमिसिटी। तो नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटोमिसिटी। तो नंबर ऑफ मोल का फार्मूला गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला है नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर, और नंबर ऑफ एटम्स का फार्मूला है नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू एटोमिसिटी, इंटू एटोमिसिटी, ये एज इट इज। तो नंबर ऑफ मोल का फार्मूला गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ एटम्स का फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स इंटू एटोमिसिटी इंटू एवोगाड्रो नंबर, या नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू एटोमिसिटी। तो एटोमिसिटी पहले भी ले सकते हैं, पर नंबर ऑफ मोल्स इंटू एटोमिसिटी इंटू एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एटोमिसिटी इंटू बन गया फार्मूला। अब ये फार्मूला में लगे तो इसको फिर से पूरा लिखता हूँ, पूरा लिखेंगे, इधर देखो, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एटोमिसिटी इंटू एवोगाड्रो नंबर। अब जब हम इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट के एटम के आएंगे, इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट मतलब कौन है, नाइट्रोजन है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, जरा ध्यान से देखना, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन आ सकते। सब अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन 120 ग्राम ऑफ यूरिया, तो कैसे निकालेंगे वो देखेंगे अपन। उस वक्त क्या करना है, ये जो एटोमिसिटी है इसकी जगह पे उस एलिमेंट के कितने नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना है। अगर हमें कंपाउंड के नंबर ऑफ एटम्स निकालना है तो मल्टीप्लाइंग बाय एटोमिसिटी टू दिस टू टर्म्स, यानी ये जो 2 टर्म है नंबर ऑफ मोल और एवोगाड्रो नंबर, इसको एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करना है अगर कंपाउंड के मॉलिक्यूल पूछे जाए, और कंपाउंड के एलिमेंट के अगर एटम्स पूछे जाए, कंपाउंड के एलिमेंट के एटम, तो फिर एटोमिसिटी के जगह पे जैसे हमको नाइट्रोजन के एटम पूछे गए, नाइट्रोजन के, तो ये नंबर ऑफ मोल एज इट इज रहेगा, एवोगाड्रो नंबर एज इट इज रहेगा, और एटोमिसिटी के जगह पे क्या कहते हैं, नाइट्रोजन 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए। और हमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन पूछे जाए तो ये एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे कितना रहेगा, 1। इन केस ऑफ ऑक्सीजन कितना, दैट इज इक्वल टू 1, ये सब एज इट इज रहेगा। और हाइड्रोजन के वर्ग यहाँ कितना, दैट इज इक्वल टू 4, बिकॉज इसमें हाइड्रोजन 4 है। सिंपल क्वेश्चन खत्म। अब हो के क्या होगा, आपको एक अलग से कंपाउंड दिया जाएगा, जैसे अगर मैंने आपको बोला कि 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के एटम निकालो, तो यहाँ पर कंपाउंड कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका मॉलिकुलर वेट कितना है, 44। 4.4 क्या होगा, गिवन वेट, गिवन वेट और मॉलिकुलर वेट इन दोनों का यूनिट क्या होना, सेम। तो गिवन वेट ऑलरेडी ग्राम में दिया हुआ है, मॉलिकुलर वेट क्या मिलेगा, ग्राम में रहेगा, तो इसमें क्या रहेगा, दैट इज 4.4 अपॉन 44 इंटू किसके एटम पूछे गए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितना रहेगा, डेट इज 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर कितना, 6 × 10⁻²। सिंपल क्वेश्चन। अगर आपको 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के एटम पूछे थे, कार्बन के एटम, तो 4.4 अपॉन 44 इंटू 1 इंटू एवोगाड्रो नंबर,
और 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में अगर कार्बन डाइऑक्साइड के एटम पूछे जाते कार्बन डाइऑक्साइड के तो मल्टीप्लाइंग बाय एटोमिसिटी, तो और कंपाउंड के एटम पूछे जाए तो मल्टीप्लाइंग बाय एटोमिसिटी, और कंपाउंड के एलिमेंट के एटम्स पूछे जाए तो मल्टीप्लाइंग बाय द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट इन प्लेस ऑफ एटोमिसिटी, सिंपल क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन आपको अलग अलग इसमें देखने के लिए मिलेंगे, बहुत ये क्वेश्चन आने के चांसेस है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन कंपैरिजन के फॉर्म में आते हैं, मतलब आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे और पूछे जाएंगे इसमें से सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल किस में है, सबसे कम मॉलिक्यूल किस में है, तो आपको फटाफट मॉलिक्यूल्स निकालते आना चाहिए। तो मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए पहले मोल निकालना पड़ेगा, और ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको कंपाउंड का वेट दिया रहेगा। मैंने आपको नंबर ऑफ मोल के कल कितने फॉर्मूले बताया था, 6, अपने 6 फॉर्मूले देखे थे कल नंबर ऑफ, तो वो कल के 6 फार्मूले एक बार अपन रिपीट करेंगे। जो बच्चे जिनका आज का पहला लेक्चर है वो स्टूडेंट्स ऐप इंस्टॉल करके वो बैच जो फास्ट ट्रैक बैच वो ज्वाइन कर लो, अभी उसको एक्सेप्ट करना शुरू है, उसमें पहले के लेक्चर जो है वो ऐप पर अवेलेबल है, वो देखो तब जाके लेक्चर के अंदर लिंक लगेंगे, रिवीजन बार बार पॉसिबल नहीं है। जैसे कि अभी मैं जो टॉपिक बताने जा रहा था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंपेयर करना है, अब जैसे मान लो ऑप्शन ए में वेट दिया गया कंपाउंड का, तो उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करो, ऑप्शन बी में वेट ना देके क्या दिया गया, वॉल्यूम दिया गया, तो वॉल्यूम लीटर में दिया तो 22.4 से डिवाइड करो, वॉल्यूम ml में दिया तो 22400 से डिवाइड करो। अरे समझ में आ रहा है क्या ये? हो सकता है ऑप्शन सी के अंदर आपको वॉल्यूम इन लीटर और मोलैरिटी दिया रहेगा, तो मैंने कल आपको बताया था कि नंबर ऑफ मोल डायरेक्ट भी निकाल सकते अगर मोलैरिटी दी हुई हो और वॉल्यूम इन लीटर दिया रहा, तो जैसे लास्ट फार्मूला जो कल अपने देखे थे नंबर ऑफ मोल का, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, लीटर को क्या कहते हैं, डीएम क्यूब कहते हैं, लीटर मंच डीएम क्यूब, तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन डीएम क्यूब, वॉल्यूम इन लीटर या वॉल्यूम इन डीएम क्यूब। तो नंबर ऑफ मोल के 6 फार्मूले थे, कल के 6 फार्मूले रिपीट करेंगे। पहला फार्मूला क्या, गिवन वेट अपॉन देन गिवन वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर, देन गिवन वॉल्यूम इन ml अपॉन 22400 ml, देन गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, देन पी वी अपॉन आर टी, और आर वहाँ पे क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। उसके बाद में अगला फॉर्मूला था लास्ट, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। अब नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स के फॉर्मूले, नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या है, गिवन वेट अपॉन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर, मतलब मॉलिक्यूल निकालने के लिए आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल, देन नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स के अंदर दो टाइप के क्वेश्चन आते, बेटो गेट लगा लो लास्ट वाला, नंबर ऑफ एटम्स में दो टाइप के क्वेश्चन आते। पहला क्वेश्चन आता है कि आपको कंपाउंड के एटम पूछे जा सकते या कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट के एटम, तो अगर कंपाउंड के एटम पूछे जाए तो मल्टीप्लाइंग बाय एटोमिसिटी, और अगर कंपाउंड के एलिमेंट के एटम पूछे गए, जैसे यूरिया में आपको नाइट्रोजन के एटम पूछा गया, यूरिया में कार्बन का, यूरिया में ऑक्सीजन का, यूरिया में हाइड्रोजन का, क्योंकि ये चारों भी उसके एलिमेंट है, तो आपको ये जो एलिमेंट है इसके जो नंबर ऑफ एटम्स उसमें दिए हुए उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन प्लेस ऑफ एटोमिसिटी। पॉइंट समझ में आ गए, ये एक पॉइंट था। इसके बाद अगला आर्टिकल, अब अगले आर्टिकल में देखो एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे बोर्ड पे, जरा ध्यान देना रे। सपोज आपको बोला गया है 1.4 ग्राम N2 मोनो नेगेटिव, N मोनो नेगेटिव ये दिया गया, एक आयन दिया गया, और आपको इसके निकालना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अभी जो मैंने इसके पहले बताया था एक बार फिर बता रहा हूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए नंबर ऑफ मोल लगेंगे, और नंबर ऑफ मोल का ये एक रास्ता है, इसके अलावा और 5 रास्ते हैं। तो जब मैं इस पर क्वेश्चन लूँगा तो मैं 2-4 क्वेश्चन लूँगा इस आर्टिकल के ऊपर, तो वहाँ पर रेफरेंस थ्योरी मैं दूंगा कि मैंने आपको बताया था। देखो अगर आप थ्योरी प्रॉपर समझेंगे तो MCQs के अंदर मुझे सिर्फ हिंट देने का काम पड़ेगा, अगर अपन MCQs भी बैल के ऐसा पूरा सॉल्व करते बैठेंगे फिर थ्योरी लेके मतलब ही नहीं ना कुछ। मैं ये MCQs किसके लिए लूँगा, मैं जो बच्चा पूरी थ्योरी अटेंड कर रहा, अब जो MCQs में नया नया आया तो उसको तकलीफ जाएंगे, तो आपको उसी चैप्टर के MCQs बहुत अच्छे से समझ में आएंगे जो चैप्टर की थ्योरी भी आप क्लास में अटेंड कर रहे, क्योंकि थ्योरी के अंदर ही अपन क्वेश्चन क्लियर करें। अब जैसे मान लो इस पर क्वेश्चन आया है ना, तो मैं आपको क्या बताऊंगा, देखो ये 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन में पहले 2 में वेट दिया गया और अगले इसमें मॉलिक्यूल दिए गए और अगले इसमें आपको मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया गया, तो अब चारों की जो कंटेंट दिया हुआ इस पर से आप इनके नंबर ऑफ मोल निकाल लो, जिसके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा रहेंगे उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा रहेंगे,
बिकॉज नंबर ऑफ मोल पर से जब हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालते तो एक कॉमन और कॉन्स्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं एरोमेटिक नंबर, तो जिसका ये ज़्यादा रहेगा उसका ये ज़्यादा आ जाएगा। अरे समझ में आ रहा है ये? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे जब क्वेश्चन आता है ना तो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालते आना चाहिए। बेटे लगा लो दरवाजा, होगा इसका। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल पर से। और नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं अपन? छह फार्मूले उसके निकालने के, यही पॉइंट क्लियर कर लो। तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हर बार आपको वेट दिया रहेगा करके, कभी आपको वॉल्यूम दिया रहेगा, कभी आपको मॉलिक्यूल्स दिए रहेंगे, कभी आपको प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर दिया रहेगा, तो आप पी वी अपन आर टी से नंबर ऑफ मोल निकालो। या कभी कभी आपको मोलैरिटी दी रहेंगी और वॉल्यूम दिया रहेगा लीटर में, तो मोलैरिटी को वॉल्यूम इन लीटर से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल। मतलब आपको इन ऑल एस्पेक्ट क्या निकालते आना चाहिए? नंबर ऑफ मोल। जैसे नंबर ऑफ मोल जास्त रहते तैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जास्त रहते, जिसके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा रहेंगे उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट नहीं करते बैठना, आपको सिर्फ क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल पर से आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते। और नंबर ऑफ एटम्स में कंपैरिजन पे क्वेश्चन नहीं आता, ये आपको सेपरेटली अलग से निकालना पड़ता। और नंबर ऑफ एटम्स फिर बता रहा हूँ दो टाइप के रहते, कंपाउंड के भी रह सकते और कंपाउंड में के एलिमेंट्स के भी रह सकते। जब कंपाउंड के एटम पूछे जाएंगे तो मल्टीप्लाइंग बाय एटोमिसिटी, और एटोमिसिटी कैसे कहते हैं? टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। इतना रिपीट रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इसके ऊपर। अभी जो अगला आर्टिकल है, 1.4 ग्राम नाइट्रोजन इज गिवन, और आपको इसमें क्या पूछा गया? देखो रे क्वेश्चन पूछा गया, आपको इसमें पूछा गया नंबर ऑफ प्रोटॉन और दूसरा पूछा गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन पर से एक पॉइंट क्लियर कर दो, कल अपन ने देखे थे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में आयोनिक रेडियाई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर एटॉमिक नंबर। जिसका एटॉमिक नंबर कम उसकी आयोनिक रेडियस ज़्यादा है ना कल। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज किसे कहते हैं? द स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सबसे पहले एक बात देखो, एन मोनो निगेटिव में नाइट्रोजन कितने हैं? एक, वन मल्टीप्लाइंग बाय। देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते, प्रोटॉन को चार्ज से फर्क नहीं पड़ता, तो इसमें पहले आप प्रोटॉन निकालो, तो इसके प्रोटॉन रहेंगे 1 × 7 = 7, और इसके आप इलेक्ट्रॉन निकालो, इलेक्ट्रॉन को रहेगा 1 × 7 + 1, बिकॉज नाइट्रोजन कितना है? 1 है, मल्टीप्लाइंग बाय एटॉमिक नंबर कितना है? 7 है, और साथ में चार्ज कितना है? निगेटिव 1 है, तो 1 × 7 + 1 = 8, तो इसमें 7 प्रोटॉन हो गए और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये निकाल के आपको पहले रखना पड़ेगा। अब अपने को पूछेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दिस अमाउंट ऑफ वेट, इतने वेट में प्रोटॉन। सर फिर अपन ने ये क्या निकाले? ये भी प्रोटॉन निकाले। बोल सर ये क्या निकल रहा है? ये भी प्रोटॉन निकल रहा है। तो क्वेश्चन क्या है समझ लो अच्छे से, पहले आपको ऐसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकाल के रखना है। जैसे अगर मान लो मैंने आपको पूछा कि ओ डाई निगेटिव में प्रोटॉन कितने रहेंगे, तो ओ डाई निगेटिव में प्रोटॉन रहेंगे 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना? 8 है। आप आज अपने एलिमेंट रह गए, तो अपन जाते टाइम रिवाइज कर लेंगे उसको, 2 बढ़ा देंगे उसके अंदर। और इलेक्ट्रॉन कितने इसके अंदर? इलेक्ट्रॉन देखो 8 + 2 = 10, तो ऐसा आपको स्पीसीज का ही निकलता है कि ये ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन का फार्मूला है नंबर ऑफ मोल इनटू प्रोटॉन इनटू एवोगैड्रो नंबर, और ये प्रोटॉन ये रहेगा 7। और नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे अपन? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब बताओ 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, तो यहाँ पे 1.4 अपॉन नाइट्रोजन एक ही है ना उसके अंदर, 1.4 upon 14, तो 1.4 upon 14 × 7 × एवोगैड्रो नंबर, वो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल कितना है? 1.4, देखो नंबर ऑफ मोल इंटू इलेक्ट्रॉन्स इंटू एवोगैड्रो नंबर, सिंपल। तो जब आपको किसी आयन का या किसी स्पीसीज का कुछ वेट दिया जाए और उसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन पूछे जाए,
तो जो फार्मूला अपन एटोमिसिटी के लिए नंबर ऑफ एटम्स के लिए मल्टीप्लाई यूज करते, अपन नंबर ऑफ एटम्स के लिए क्या यूज करते हैं फार्मूला, नंबर ऑफ एटम्स के लिए अपन यूज करते हैं नंबर ऑफ मोल इंटू एटोमिसिटी इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो इस फार्मूले को ध्यान से देखो और इस फार्मूले को देखो और इस फार्मूले को देखो, तो इसमें नंबर ऑफ मोल एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल एवोगैड्रो नंबर कॉमन है। तो जब नंबर ऑफ एटम्स पूछे जाए तो मल्टीप्लाइंग बाय एटोमिसिटी, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछे जाए इन सर्टन अमाउंट ऑफ वेट तो मल्टीप्लाइंग बाय प्रोटॉन वैल्यू जो अलग से निकाल के रखना है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे जाए इन सर्टन अमाउंट ऑफ वेट, मतलब कुछ दिए हुए वेट में इलेक्ट्रॉन पूछे जाए।